अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज फिर हाजिर हूँ अपने शशकों के साथ। तो आज की जो शशक है, यानी कि आज का जो ब्लॉग है, वो है ट्रैवलिंग ब्लॉग। यानी कि हम जा रहे हैं कहाँ, बच्चे नानी के घर। हाँ, और हम कज़न की शादी है जो हमें अटेंड करनी है। मैं अपनी सेल्फी स्टिक लाना भूल गई हूँ। मैंने सारे ये जुलूम किया कि सेल्फी स्टिक लाना भूल गई मैं। तो चले आप लोगों को, फैमिली को सोचा कि साथ ले लूँ अपने, और आपको दिखाती हूँ अपना सफ़रनामा भी और शादी ब्लॉग भी दिखाऊंगी और आगे क्या क्या हमने मस्ती मजाक किया वो सब दिखाऊंगी। तो मेरे साथ साथ रहना आप लोग भी। फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे खेत खलियान है और बहुत खूबसूरत रास्ता है। अब पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं बच्चों? इसके घर नानी के। और वहाँ पर क्या करने वाले? हम लोग कल मस्ती करेंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे और बाइक। यानी कि समर पूरा इंजॉय करोगे ना। सेल्फी स्टिक ही लाई हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो डिस्टर्बिंग जो भी हो रही हो उसको इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो साथ साथ रहें फैमिली और खेतों को भी जाए। तो लड़के जाने की खुशी एक अलग ही होती है। बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ से कनेक्ट करेंगी मेरे साथ कि हम जब अपने पेरेंट्स के घर जा रहे होते हैं, यानी कि अपने मायके जा रहे होते हैं, तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है, एक खुशी ही अलग होती है। चाहे वो एक दिन के लिए जाए, चाहे दो घंटे के लिए जाए, लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है वो। बैकग्राउंड में जो है वो इग्नोर कीजिएगा साउंड को, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ और आपको पता है कि जब गाड़ी में हो तो आस पास सराउंडिंग में इस तरह के साउंड तो आते ही है। तो बस मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम अपने घर से अपने पेरेंट्स के घर जा रहे होते हैं, तो वो भले हम एक दिन के लिए जाएं या दो घंटे के लिए जाएं, वो फीलिंग्स ही अलग होती है, वो खुशी ही अलग होती है। तो मेरे साथ बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ को लेकर कनेक्ट करेंगी कि मायके जाने की खुशी ही एक अलग होती है। तो मैं भी खुश हो रही हूँ कि मैं अपनी अम्मी से मिलूँगी, बाबा से मिलूँगी। बाबा से तो मिल चुकी हूँ क्योंकि वो मुझे लेने आ गए थे, और कज़न वगैरह से सबसे मुलाकात हो जाएगी। आप लोग भी साथ साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मस्ती हमारी साथ चल रही है। साथ साथ रहे। तो फाइनली तुम लोग कहाँ पहुँच गए हो? अबू कटा कहाँ? इधर दड़ इधर दड़। हाँ, तो ये नानी के घर पहुँच चुके हैं और नाना अबू यानी कि बाबा जानी, और ये हमारा घर यानी कि ये मेरा घर। मेरा घर। स्वागत नहीं करोगे क्या? स्वागत नहीं करोगे हमारा? अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, फिर से हाजिर हूँ अपने शशकों के साथ। बाल वाल ऐसे हो रहे हैं, पहुँच चुकी हूँ मैं फाइनली अपनी अम्मू के घर, यानी कि अपनी मम्मा के घर, यानी कि अपनी अम्मी के घर। और आप लोगों ने मेरा सफ़र भी देखा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। तो बस
एक सुकून जो माँ के घर में आ जाता है आपको, बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ से रिलेट करेंगी, लड़कियाँ बहुत सी क्या, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेडीज इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि मायके आके आई मीन आप ऐसे फील करते हो कि हल्के हो गए आप। तो चलो, दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई जगह या कोई ना कोई ऐसे लोग हमारे लिए रखे होते हैं जहाँ हम लोग अपना सुकून ढूंढते हैं, जहाँ हम लोग अपने लिए एक आराम या टेंशन फ्री होने की जगह ढूंढते हैं। तो वो मेरे ख्याल से तो एक माँ का घर और माँ ही होती है। तो सब माँओं के लिए, मैं थोड़ी सेंटी हो रही हूँ और एक्साइटेड हो रही हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। बाल बाल सही करती हूँ, थोड़ा अशर सही करती हूँ, खाना खाती हूँ और वापस आती हूँ, साथ रहिएगा। तो जनाब, मैं जो हूँ फाइनली खाना वाना खा लिया है मैंने, और जो है छोटे से मेहमान से मिलने आई हूँ। दिखाती हूँ मेरी चूचू। चूचू, हेलो चूचू, हाय चूचू, चूचू हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। नहीं, मूड नहीं है। मैं चूचू से मिलने आई थी, मैं अपनी नीस से मिलने आई थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, और हम फ्राइज खा रहे हैं जो हम खा चुके हैं, दिखा दूँ मैं आपको। और चाय आने वाली है, चाय पीती हूँ और फिर वापस आपसे मिलती हूँ। सब बताऊँगी जो जो करने वाली हूँ, सब अपडेट दूँगी आज क्या करने वाली हूँ। आज आज़ाद हुए, आज आज़ाद है मॉम, आज आज़ाद है, आज अपनों के दरमियान है मॉम और आज आज़ाद है मॉम। तो मेरे साथ साथ रहें आप लोग भी, और आप जिस तरह मैं खुश हो रही हूँ उस तरह आप लोग खुश रहें हमेशा, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो